ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दी गई टिप्पणी कि वे नीच किस्म के आदमी हैं पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि राजनीति में इस प्रकार की जो बातें होती हैं वे उनको दोहराना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर उनके मित्र हैं और विद्वान हैं। उनके द्वारा राजनीति में रहते हुए दिए गए बयान पर वे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दी गई टिप्पणी की वे नीच किस्म के आदमी है पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि राजनीति में इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनको वे दोहराना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर उनके मित्र हैं और विद्वान हैं। उनके द्वारा राजनीति में रहते हुए दिए गए बयान पर वे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा कि वर्तमान में नेता शब्द सम्मान सूचक नहीं रहा है। कभी कभी तो लगता है कि नेता शब्द मानो गाली बन गया है। उन्होंने कहा कि मूल्य व सेवा की राजनीति अब नजर नहीं आती। वर्तमान में राजनीति का अब मूल्यन सबसे बड़ी चुनौती है। शांता कुमार ने धर्मशाला कोतवाली बाजार स्थित सामुदायिक भवन में हिमालय विचार मंच द्वारा आयोजित वर्तमान लोकसभा चुनाव व देश के समक्ष चुनौतियां विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आदर्श राजनीति और आदर्श नेता होते तो देश कहां का कहां होता। बिना अच्छे लोगों के अच्छी राजनीति नहीं हो सकती। शांता ने कहा कि आज देश में राजनीति का अवमूल्यन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण आज चौराहे की राजनीति संसद के पटल तक आ पहुंची है। आज नेताओं के बढ़ते अपराधीकरण के चलते स्पेशल कोर्ट बनाया गया। आज राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती राजनीति के अपराधीकरण के साथ साथ 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज मतदान 100% तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि 100% वोट से ही सही सरकार चुनी जाती है। आज सभी वोट नहीं डालते तो सही सरकार कैसे चुनी जा सकती है। शांता ने कहा कि बीते 7 दशक में जितना विकास हुआ है उससे कहीं अधिक आर्थिक असमानता भी बढ़ी है, जिस कारण नक्सलवाद पनपा। आज हम पूरे देश में विवेकानंद की जयंती मनाते हैं, लेकिन उनके नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत को नहीं माना जाता। उन्होंने NRC गठन को लेकर कहा कि जो 3 करोड़ घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश किए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए NRC बनाया गया है। हम ये जानते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जा सकता है। अब इस अवसर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी KC शर्मा, भाजपा नेता राकेश शर्मा व संजय शर्मा उपस्थित रहे। स्तर गिरा है, बहुत गिरा है, चिंता जन स्तर तक पहुँचा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी इसके बारे में बहुत चिंतित है। और ये भी विचार है कि कम से कम हमारी तरफ से भविष्य लोकसभा में राज्यसभा इस प्रकार का कभी कोई व्यवहार ना हो, ये हमारी पार्टी की चिंतन है। और अगली बार इस दिशा में हमारी पार्टी सोचेगी, विचार करेगी। कुछ लोग वापस आए हैं क्योंकि कई बार कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी होती है, कुछ गलती हो जाती है, तो अपने परिवार के कुछ लोग जो बाहर गए उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत से वापस आए सब बन सकते। देखिए, राजनीति में इस प्रकार की जो बातें होती हैं मैं उनको दोहरा नहीं हूँ। मणिशंकर अय्यर मित्र हैं, विद्वान हैं। एक बार राष्ट्रसंघ में 15 दिन के लिए डेलीगेशन गया था, मेरे साथ थे, तो मैं उस वक्त भी कहा करता था कि आप बहुत विद्वान हो, लेकिन कभी कभी तो मैं उन बातों पर किस किस्म की उनकी बातों का मैं नोटिस भी नहीं लेना चाहता, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।